नाम नूरे सबा है और मैं क्वेटा से हूँ। मुझे भी अमेरिका में यहाँ पे पूरे तकरीबन 5 साल होने को है। मैं 2007 में आई थी अपनी बेटियों के साथ। लेट्स गो गर्ल्स। मेरी ग्रेजुएशन बुलान मेडिकल कॉलेज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की है और उसके मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पब्लिक सेक्टर में काम किया बहैसियत मेडिकल ऑफिसर। लेकिन तब भी मेरा जो है मेडिकल ऑफिसर के तौर पे मैं काम करती थी, लेकिन मेरा प्योरली क्लिनिकल नहीं था। तब भी मेरा एक्सपोजर जो है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड था। किली कमालों में वहाँ पर बहसीत मेडिकल ऑफिसर की मर्सी कोर के साथ काम किया। फिर मेरी रेजिडेंसी मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से की और मेरा था डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज वहाँ पे। और वहाँ पे मेरी जो पब्लिक हेल्थ बेसिक ट्रेनिंग थी, मेरे ख्याल में वो मुझे अभी तक मेरे काम आ रही है। और जो मेरे जो बेसिक जो मेरी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग और एकेडमिक रिलेटेड था, वो सारा मेरा वहाँ से इस्टेब्लिश हुआ। और फिर मैंने वहाँ पे कराची में सेंट्रल फीमेल प्रिजन कराची में बहैसियत मेडिकल ऑफिसर के काम किया है। वो भी अपनी तरफ से एक चैलेंज था, वहाँ पे काम करना आसान नहीं था। मेरा ये जितना भी एक्सपीरियंस था काम करने का, ये सब मेरे सिलेक्शन में मेरे काम आया है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर नूर सबा रखशानी से, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से है। ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से PhD कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका अमेरिका में पढ़ने का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में उसका शुमार होता है। और इस वक्त जो है जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जहाँ से मेरी प्रोग्राम है, और जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल जो है पिछले 7 साल से मुतवातिर लगातार अमेरिका में नंबर 1 लेवल पे रहे हैं। डेफिनेटली ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपको पता है कि इट्स प्राइवेट और इट्स वेरी बहुत महंगा भी है। मेरे ख्याल में मेरी PhD के लिए मेरी स्कॉलरशिप ने $2.5 लाख जो हैं जमा किए हैं। और इसके साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है जो मेरे स्कॉलरशिप कवर करती है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस। और फिर हमें रहने के लिए वजीफ़ा भी दिया जाता है जो हमारे घर के रोज़मर्रा ज़िंदगी के खर्चा, रेंट हो गया, आपके खाने पीने का। तो आसान नहीं है यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने खर्चे पे आके पढ़ते हैं उनकी मुश्किलात देखते हुए, तो हम लगता है कि हम जो है बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें जो है पूरी फंडेड स्कॉलरशिप मिली है। इट वॉज़ प्योरली ऑन मेरिट। कोई आपको जो है रिसोर्स चलाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई वो नहीं था। हमने अपने ऑनलाइन अपने एप्लीकेशंस फिल किए और आपके मेरे ख्याल में वो लोग आपके GRE और TOEFL के ग्रेड्स के ऊपर वो आपको प्रिलिमिनरली आपकी सिलेक्शन होती है। और फिर सेकंड स्टेप में फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इस्लामाबाद, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो। दीज आर लाइक इन मोस्ट ऑफ आपके जो है एक्सपेंसेस दे आर पेड इवन। और यहाँ पे जब आप अमेरिका आते हैं तो आपको हर तरह से आपकी मदद की जाती है कि आपकी मुश्किलें आसान हो। शुरू में जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी तो मुझे खुद बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी 2 बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। कुछ अर्से मेरे शौहर यहाँ पे थे मेरे साथ, फिर कुछ अर्से के लिए मेरी अम्मी मेरे पास आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो स्कूल सिस्टम है उससे मुझे बड़ा सपोर्ट है। बच्चों के स्कूल, वो स्कूल में जाती हैं तो मुझे फिक्र नहीं होती है क्योंकि पढ़ाई कैसे हो रही है। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोनी रन। मेरे बच्चे दोनों पब्लिक स्कूल में जाते हैं यहाँ पे। पब्लिक स्कूल का कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन आफ्टर स्कूल का एक मिनिमल $50 का फ़ी है। तो आप जो है हफ्ते में, उनसे पहले एग्रीमेंट हुई भी होती है कि हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन जो है हर दिन छुट्टी के बाद वहीं उस स्कूल में ही उनके आफ्टर स्कूल प्रोग्राम होता है जो शाम 6 बजे तक चलता है। और वहीं पे उनको होमवर्क भी कराते हैं, लंच भी कराते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सहरा जो है मैं अपने स्कूल की इंतज़ामिया को भी दूंगी कि हॉपकिंस में और बल्कि मेरे ख्याल में दूसरे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ का यह है कि आपका कोर्स वर्क बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। कोई रिजिड नहीं है कि आपने ये कोर्स सिर्फ इसी साल में इसी टर्म में लेना है। आप जो है, मेरे पास 4 साल थे कि मैंने 4 साल में अपने कोर्स वर्क जो है स्प्रेड आउट किया। मेरे एडवाइज़र के साथ मेरे करीबी ताल्लुक रहा है। मेरी एडवाइज़र को पता है कि मेरे बच्चे हैं। बल्कि मेरी एडवाइज़र से जब मेरी मीटिंग होती है तो सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछती हैं कि कहाँ हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं। ईमेल फॉर सप्लाइज़।
तो इस तरह से ये फ़ायदा है कि आपके जो है कोर्स वर्क आप अपनी मर्ज़ी से उसको स्पेस आउट कर सकते हैं कि आपको साल में किस वक़्त कौन सा कोर्स अपना मुकम्मल करना है। मैंने 4 साल में अपने सारे कोर्सेज़ ख़त्म कर लिए हैं। करीब मेरे पास जो है 120 क्रेडिट आर्स लेने थे जो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। तो सबसे अहम चीज़ मेरे ख्याल में अमेरिका में जो मैंने सीखी वो ये कि नामुमकिन लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे। आप ये नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान में थी, मेरी मेडिकल की डिग्री है, मैंने MBBS अपना पाकिस्तान से किया, लेकिन शादी से पहले और मेरे बच्चों की पैदाइश से पहले। और लेकिन जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैं बिल्कुल हो गई, नहीं अब तो मैं आगे नहीं पढ़ सकती ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन फिर जो है जब आप यहाँ अमेरिका में आते हैं तो आपको ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि नामुमकिन नाम की चीज़ यहाँ पे बहुत कम आपको सुनने को मिलती है, नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई लगन है और आपने इरादा किया है तो हर तरफ से जो है आपकी मदद हो जाती है और आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। बेशक कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने मेहनत की है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके जो ट्रेन होके जा रहे हैं रिसर्चर्स यहाँ से, उनको ये सीख रहे हैं कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, बाल्टीमोर।